नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा पुष्कर रोड स्थित रीजनल कॉलेज के सामने हुए अवैध निर्माण को कार्रवाई करते हुए सीज किया गया। इस दौरान एडीए के अधिकारी सहित पुलिस जाप्ता भी मौजूद रहा। वहीं कार्रवाई के बाद सीज किए गए स्थानों पर एडीए द्वारा नोटिस भी लगाए गए। अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा आज पुष्कर रोड स्थित रीजनल कॉलेज के सामने अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करते हुए सीज किया गया। इस दौरान यहां बने रेस्टोरेंट, समारोह स्थल, शराब ठेका सहित अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर नोटिस चस्पा किया गया, जहां इस कार्रवाई के दौरान एडीए के अधिकारी सहित पुलिस जाप्ता भी मौजूद रहा। अजमेर विकास प्राधिकरण के उपायुक्त भरत गुर्जर, तहसीलदार सुनीता चौधरी, ओम सिंह लखावत व अन्य कार्मिक सहित किशनगंज पुलिस थाने का जाप्ता रीजनल कॉलेज के सामने पहुंचा। कॉलेज से लेकर सेवन वंडर्स तक बने अवैध निर्माणों को सीज करने की कार्रवाई की गई, जहां बताया जा रहा है कि इसमें कुल 39 निर्माण शामिल हैं। दरअसल ये कार्रवाई बिना स्वीकृति प्राप्त किए, बिना मानचित्र स्वीकृत कराए, बिना भू उपयोग परिवर्तन करवाए, तथा इस संबंध में सक्षम विभागों से बिना अनुमति लिए करने के लिए की गई है। जहां बताया जा रहा है इन्हें पूर्व में भी नोटिस दिया था, परंतु किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होने के चलते एडीए ने सीज की कार्रवाई को अंजाम दिया। जहां कार्रवाई करने के दौरान कुछ लोगों की अधिकारियों से नोकझोंक भी होती नजर आई। एडीए द्वारा अवैध निर्माण की सीज के बाद वहां पर नोटिस लगाया गया, जिस पर आदेश लिखा गया है कि सीज की गई इमारत, भवन व दुकान में कोई गतिविधि न करें। यदि सीज की गई भूमि पर छेड़छाड़ की गई तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ये बिना परमिशन के जो भी व्यावसायिक गतिविधियाँ हो रही है उनको सीजिंग की कार्रवाई आज अजमेर विकास प्राधिकरण के द्वारा की गई है। तो इनके जो भी जवाब इस सीजिंग की कार्रवाई के बाद में मिलेंगे, जिन भी जो भी प्रतिष्ठान है, जो भी व्यवसायिक गतिविधियां हैं, तो उनके परीक्षण करके नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इनको नोटिस दिया गया था पहले, और उसके जवाब में इनकी तरफ से ज़्यादातर की तरफ से कोई एक दो लोगों ने जवाब दिए होंगे, ज़्यादातर की तरफ से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुए। तो इस कार्रवाई का आधार यही है कि बिना परमिशन के, बिना स्वीकृति के और बिना भू रूपांतरण करवाए, बिना भू उपयोग के ये लोग व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं। इसीलिए ये जो भी प्रतिष्ठान है, जो भी व्यवसायिक गतिविधियां हैं, तो सीजिंग की कार्रवाई अजमेर विकास प्राधिकरण की तरफ से की गई। राधा स्वामी सत्संग के लिए अजमेर से दिल्ली जा रही बस की बुधवार सुबह ट्रॉली से भिड़ंत हो गई, जहां बताया जा रहा है कि हादसे में मौके पर 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 46 यात्री घायल हुए हैं, जहां 2 घायलों को अजमेर के जेएलएन अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिनका इलाज चल रहा है। राधा स्वामी सत्संग के लिए अजमेर से दिल्ली जा रही बस की बुधवार सुबह ट्रॉली से भिड़ंत हो गई, जहां बताया जा रहा है कि हादसे में मौके पर 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 46 यात्री घायल हुए हैं। अजमेर निवासी घायल शंकर लाल सहित वीर सिंह जोधा दोनों को अजमेर के जेएलएन अस्पताल में रेफर किया गया है। दोनों घायलों का जेएलएन अस्पताल में इलाज जारी है। एक्सीडेंट बुधवार सुबह जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ था। सूचना मिलने पर दोनों घायलों के परिजन अस्पताल पहुंचे और हादसे की जानकारी ली। जानकारी के अनुसार नेशनल हाईवे पर स्लीपर बस अजमेर से रवाना होकर दिल्ली की तरफ जा रही थी। इसी दौरान कंवरपुरा स्टैंड के पास आगे चल रही ट्रॉली से जा टकराई। सभी घायलों को अस्पताल भिजवाया गया। गंभीर रूप से घायल श्रद्धालुओं को जयपुर रेफर किया गया। एक्सीडेंट की सूचना पर कलेक्टर, एडीएम, एसपी सहित पुलिस प्रशासन के अधिकारी हॉस्पिटल पहुंचे। ज्ञात हुआ है कि ये सत्संग के अंदर यात्रा में जा रहे थे, तो वहाँ कोटपुतली के पास इनका कहीं एक्सीडेंट हुआ है और ये बस के अंदर सवार थे और ट्रोले से एक्सीडेंट हुआ है। और वीर सिंह जोधा इनका नाम है, अजमेर शक्तिनगर आम का तालाब से। अब ये कायड में निवासरत हैं, कायड ग्राम के रहने वाले हैं और ये हमारे बड़े भाई साहब हैं। इनकी सूचना मुझे सुबह 6 बजे प्राप्त हुई। लगभग 70 के लगभग होंगे। कुछ लोग जयपुर एडमिट हैं, कुछ लोग को लेके आए हैं। चार बंदे यहाँ पर घायल हुए थे, जिनको रेफर अजमेर किया गया है। जी, ये सब राधा स्वामी सत्संग में जा रहे थे, सेवादार है सब। इनकी बस कल रात को अजमेर से रवाना हुई थी और आज सुबह हमको न्यूज़ मिली कि कोटपुतली में कोई ट्रोले में इनका बस का एक्सीडेंट हो गया, जहां घायल मतलब 47 जने तो घायल है अभी, जो कईयों को अजमेर रेफर करा है, कहीं जयपुर एसएमएस में एडमिट है। 4 जने यहां आए जो अभी सीरियस हैं, जिनमें एक तो शंकर लाल जी हैं, एक वीर सिंह जी जोधा साहब है, अजमेर के ही हैं और इनका इलाज चल ही रहा है भी है। दिवाली भारतीय त्योहारों में से सबसे महत्वपूर्ण व बड़ा त्योहार है, जिसकी तैयारियां महीनों पहले ही शुरू हो जाती है। इसी क्रम में दीपावली के इस पर्व पर दीपकों की बिक्री शुरू हो गई है। कुमार हजारों की संख्या में प्रतिदिन दीपक बनाने में लगे हुए हैं, ताकि समय रहते खरीदारों तक पहुंच जाए दीपक। भारतीय संस्कृति में त्योहार
अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। दीपावली भारतीय त्योहारों में से सबसे महत्वपूर्ण व बड़ा त्योहार है, जिसकी तैयारियां महीनों पहले ही शुरू हो जाती है। लोग अपने घरों में रंग रोशन के साथ ही साफ सफाई शुरू कर देते हैं, अपने घरों को लाइट व दीपक से सजाते हैं। जहां इसी क्रम में दीपावली के इस पर्व पर अजमेर में दीपकों की बिक्री शुरू हो गई है। दीपावली पर बाजारों में रौनक बढ़ गई है, वहीं साथ ही बिगड़ते मौसम की वजह से कुम्हारों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी कुम्हार अपनी मेहनत कर समय रहते खरीदारों तक दीपक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं बताया कि जहां चाइनीज दीपक देसी दीपकों की बिक्री पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि आज की जनता देसी चीजों को प्रोत्साहित ज्यादा कर रही है। वहीं गोपाल प्रजापत ने बताया कि उनका 12 लोगों का परिवार दीपक बनाने में लगा हुआ है, जहां रोज के हजारों दीपक की बिक्री हो रही है। पिछले साल की तुलना में इस साल भी दीपकों के मूल्य में कोई खास इजाफा नहीं हुआ। इस साल दीपकों का मूल्य बाजारों में प्रति नग 1 रुपए, वही 7,000 रुपयों के 1,000 दीपक बिक रहे हैं। तैयारी चल रही है, मौसम की वजह से थोड़ी सी परेशानी जरूर हो गई है, लेकिन तैयारी बड़ी जोर शोर पे तेज बोलो तो। दिवाली की तैयारी बड़ी जोरों शोरों पर चल रही है, मौसम की वजह से थोड़ी परेशानी की वहाँ झेलनी पड़ रही है, और दिवाली बहुत अच्छी चल रही है। भाई साहब कितने टाइम से आप करते हुए आ रहे हैं दीपक वगैरह बना रहे हैं? मैं करीब मुझे 20 साल करते हुए भाई साहब काम करते हुए। क्या आप पीटी बाई पीटी करते हुए आ रहे हो? ये पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे यहाँ 5 पीढ़ी हो गई काम करते हुए। क्या लगता है चाइना के जो आइटम आ रहे हैं उसमें कोई फर्क पड़ा है आपके? जी नहीं, हमारे दीवों में कोई फर्क नहीं पड़ा, पब्लिक हमारे दीवों को ज़्यादा प्रोत्साहन देती है। फिर भी कुछ तो फर्क पड़ता है चाइनीज की आइटम बड़ा पड़ता है। हमारा जो मिट्टी का आइटम बहुत शुद्ध और अच्छा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये लोकल ही आप बेचते हैं या बाहर भी जाता है आपका? हमारा माल बाहर भी जाता है, लोकल ज़्यादा मिलता है। एक दिन में कितने दीपक तैयार हो जाते हैं भाई साहब? एक दिन में 3 से 4 हज़ार दीपक तैयार होते हैं। पूरी परिवार पूरा लगता है इसके अंदर? पूरा परिवार लगता है, काम होता है। कौन कौन परिवार में ऐसे बच्चों के घर में सब मिलकर हम 12 जने हैं, जब जाके काम होता है। अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम की प्रभावी कार्यवाही आज भी जारी रही। नगर निगम के जाप्ते ने अजमेर में 2 अलग अलग स्थानों पर प्रभावित कार्यवाही को अंजाम देते हुए अवैध रूप से संचालित व्यवसायिक भवन को सीज किया, जहां इस कार्यवाही के दौरान पुलिस जाप्ता मौजूद रहा। दीपावली से पूर्व अजमेर नगर निगम की ओर से बुधवार को पाणीग्राम चौक में स्थित निर्माणाधीन बिल्डिंग पर सीज की कार्यवाही को अंजाम दिया गया। दोनों मालिकों के द्वारा आवासीय जमीन पर कमर्शियल एक्टिविटी की जा रही थी, जहां बताया जा रहा है कि पूर्व में निगम के द्वारा नोटिस देकर दस्तावेज मांगे गए थे, परंतु जवाब नहीं देने पर निगम ने बुधवार को कार्यवाही को अंजाम दिया। नगर निगम के अधिशासी अभियंता धर्मेंद्र आनंद ने बताया कि पाणीग्राम चौक में स्थित निर्माणाधीन बिल्डिंग का काम रुकवा कर सीज की कार्रवाई की गई। बिल्डिंग मालिक की ओर से आवासीय नक्शे पर कमर्शियल एक्टिविटी के लिए बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा था, इसे लेकर बिल्डिंग मालिक को नोटिस भी दिया गया। नोटिस के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। देखिए, आज नगर निगम प्रशासन के द्वारा जो अवैध निर्माण शाखा है उसके द्वारा 2 बिल्डिंगों को सीज किया गया। पूर्व में भी एक G+4 जो बिल्डिंग बनी हुई थी, अवैध रूप से बनी हुई थी, उसको पूर्व में नोटिस दिए गए थे, उसकी पालना नहीं की थी, तो उसे सीज किया गया। अभी ब्लू मून होटल है, उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। होटल पूर्व से संचालित है, जिसमें जो जो यहाँ रह रहे थे उनको हमने रिक्वेस्ट करके बाहर निकाला, और अब इसकी सीजिंग की कार्रवाई चल रही है। जी, आज ये अपने पन्नीग्राम चौक में गुरमीत कौर के नाम से बिल्डिंग थी, G+5 निर्मित थी। उससे पहले वो मोहम्मद हुसैन की थी, उन्होंने भेज दी गुरमीत कौर को। मोहम्मद हुसैन को भी नोटिस जारी किए गए थे, उन्होंने कोई दस्तावेज नहीं दिए। गुरमीत कौर को भी नोटिस जारी किया गया था, उन्होंने कार्यालय में उपस्थित होकर कहा कि मैं दस्तावेज प्रस्तुत कर दूंगी। पुनः नोटिस दिया, कोई दस्तावेज और मानचित्र प्रस्तुत नहीं किए, इसलिए आज वो G+5 बिल्डिंग उसको सीज कर दिया गया। दूसरी ये पीरमट्टा गली दीपक जी के नाम से है, ये G+2 आवासीय स्वीकृत है, उसके विरुद्ध G+5 कॉमर्शियल संचालित है, इसलिए आज इसको सीज किया जा रहा है। इसको भी बिल्कुल निरंतर कार्रवाई चल रही है निगम की, और आपको सूचित कर दिया जाएगा, कंटिन्यू चल रही है। नोटिस इनको नोटिस दिया जाता है, नोटिस के बाद में सुनवाई की जाती है, सुनवाई के बाद में जो भी वैध अवैध है उसकी जाँच करके सुनवाई सीज की जाती है। फिर जैसे भी अगर इनको प्रक्रिया है तो वो DLB निदेशालय में इनको एप्लीकेशन प्रस्तुत कर। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। This black rice has a very unique flavor.
नसीराबाद स्थित फिट इंडिया फ्रीडम रन 5.0 रन अभियान का स्वच्छता एवं स्वास्थ्य थीम पर बुधवार प्रातः 6:30 बजे दौड़ लगाई गई। दौड़ को नसीराबाद उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नसीराबाद स्थित फिट इंडिया फ्रीडम रन 5.0 रन अभियान का स्वच्छता एवं स्वास्थ्य थीम पर बुधवार प्रातः 6:30 बजे दौड़ लगाई गई। दौड़ को नसीराबाद उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव ने बताया कि फिट इंडिया फ्रीडम रन 5.0 के तहत ये दौड़ बलवंता तिराहे से नसीराबाद तक 5 किलोमीटर की आयोजित की गई, जिसके लिए लगभग सभी सरकारी विभागों के अधिकारियों को कार्यक्रम से अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि देश के प्रधानमंत्री ने भी स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए संदेश दिए तथा इस तरह की दौड़ का आयोजन ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, संभाग स्तर और राज्य स्तर तक आयोजित किया जा रहा है। इस दौड़ का उद्देश्य लोगों को स्वस्थ रहने के लिए दौड़ भी आवश्यक है, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया है। इस दौड़ के लिए थाना अधिकारी शहर व सदर, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, विकास अधिकारी, अधिशासी अधिकारी, जवाहर नवोदय विद्यालय नांदला आदि को आवश्यक जिम्मेदारी दी गई और इस दौड़ में स्काउट गाइड, छात्र छात्राएं, अधिकारियों सहित कर्मचारी आदि शामिल हुए। फिट इंडिया फ्रीडम रन 5.0 स्वच्छता और स्वास्थ्य की थीम पर आधारित ब्लॉक स्तरीय नसीराबाद में 5 किलोमीटर रनिंग का आयोजन किया गया, जिसके अंदर विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, स्कूली बच्चे, नागरिकगण, मीडिया साथियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और अभी हमने ये 5 किलोमीटर रनिंग पूरी करी है। चूँकि माननीय प्रधानमंत्री महोदय का ये विजन है कि हमारे देश के नागरिक स्वच्छ रहे, इसी थीम पे अभी जैसे पिछले दिनों आपने देखा कि स्वच्छता पखवाड़ा चलाया था और ये एक इसका कड़ी है कि जो जिसके अंदर ब्लॉक स्तर पर, गाँव में, जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर और राज्य स्तर पर इस ये जो रनिंग है इनका आयोजन किया जाएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, चाहे इंग्लिश में कहावत है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, हम अपने वैदिक धर्म में ये कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, तो जो हेल्थ है वो हमारा प्राइम कंसर्न होना चाहिए। स्कूली बच्चे जो यहाँ थे आज, मैंने उनको भी ये संदेश दिया है, ये रनिंग करके भी हमने ये संदेश दिया है कि हम सबका पहला दायित्व हमारा हेल्थ है। हमारी हेल्थ की अगर हम चिंता नहीं करेंगे तो कोई चिंता नहीं करेगा। अगर हम बीमार पड़ेंगे, अगर हमारे नागरिक बीमार रहेंगे, अनेक तरह की बीमारियाँ रहेगी, तो वो कहीं ना कहीं खुद के अलावा परिवार, समाज, देश सभी को इफेक्ट करेगी। तो इसी संदेश के साथ ये इस दौड़ का आयोजन कंप्लीट किया गया है और इस दौड़ में जो पुलिस ने काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं करी, मीडिया साथी हमारे साथ रहे, वीडियो साहब, बीओ साहब, स्कूली बच्चे सभी आए, टाइम दिया, इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अजमेर गोट ब्राह्मण महासभा का 7वां वर्धजन समारोह, प्रतिभा समारोह एवं दीपावली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन आगामी 17 नवंबर को सावन स्कूल पुष्कर रोड कोटड़ा पर आयोजित किया जाएगा, जहां इस कार्यक्रम के तहत खेलकूद प्रतियोगिता समेत अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। अजमेर गोट ब्राह्मण महासभा का 7वां वर्धजन समारोह, प्रतिभा समारोह एवं दीपावली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन आगामी 17 नवंबर को सावन स्कूल पुष्कर रोड कोटड़ा पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें आज बुधवार को महासभा के पदाधिकारियों में गोविंद पांडे, गिरीश शर्मा, अशोक शर्मा, हरीश कुमार शर्मा, दिलीप कुमार पांडे, राजेश जोशी, श्याम इंदौरिया, प्रदोष कुमार शर्मा, महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष अनिता शर्मा, अनुराधा शर्मा, शशि शर्मा ने उपस्थित होकर गणेश जी का आह्वान किया और पूजा पाठ के द्वारा गणेश जी को सपरिवार निमंत्रण दिया। वही कामना की कि कार्यक्रम सकुशल हो व सुचारू चले। इस कार्यक्रम के तहत 75 वर्ष से अधिक वृद्धजनों को सम्मानित किया जाएगा, वहीं 250 प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा, जहां इस कार्यक्रम के तहत खेलकूद प्रतियोगिता के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जिसमें विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत महिला प्रकोष्ठ भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी। जी नमस्कार, आज गौर ब्राह्मण महासभा अजमेर इकाई के पद अधिकारी गणेश जी के मंदिर पर पधारे और आज गणेश जी को निमंत्रण दिया, गणेश जी के सामने बैठकर अरदास किया कि हमारा जो आगामी कार्यक्रम है 17 नवंबर को वृद्धजन समारोह, प्रतिभा समारोह और दीपावली मिलन समारोह हम लोग मिलकर ये मनाएंगे। लगभग 250 प्रतिभाओं का सम्मान किया जाएगा, 75 वर्ष से जो बड़ी आयु के वृद्धजन हैं उनका सम्मान किया जाएगा, साथ ही में खेलकूद प्रतियोगिताएं की जाएंगी, जीके कंपटीशन किया जाएगा, उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ दिया जाएगा। इसमें महिला प्रकोष्ठ भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है और साथ में जो पुरुष वर्ग है इस कार्यक्रम को बहुत ही धूमधाम से मनाने के लिए बहुत उत्साहित है और हमारी मीटिंग्स हो चुकी हैं और यह कार्यक्रम सावन सीनियर सेकेंडरी स्कूल पुष्कर रोड कोटड़ा पर किया जाएगा और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम सभी ब्राह्मण बंधुओं को, ब्राह्मण समाज को ये सूचना और यह निवेदन करना चाहते हैं कि कार्यक्रम में पधारें और ब्राह्मण एकता का परिचय दें और इस कार्यक्रम की शोभा।
स्वच्छ भारत अभियान के तहत त्योहारों के इस अवसर पर नगर निगम व जिला प्रशासन द्वारा अजमेर के सार्वजनिक स्थानों सहित बड़े चौराहों पर लाइटिंग व्यवस्था व साफ सफाई के लिए कार्यक्रम लगातार किए जाने हैं। वहीं क्षेत्रवासियों का आरोप है जिस इलाके में खानाबदोश रह रहे हैं उस इलाके को वे पूरी तरीके से गंदे कर रहे हैं। ऐसी स्थिति को देखते हुए चौराहों व सार्वजनिक स्थानों पर रह रहे खानाबदोशों की पहचान होना अति आवश्यक है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत त्योहारों के इस अवसर पर नगर निगम व जिला प्रशासन द्वारा अजमेर के सार्वजनिक स्थानों सहित बड़े चौराहों पर लाइटिंग व्यवस्था व साफ सफाई के कार्यक्रम लगातार किए जाने हैं। इसी के तहत अजमेर के कई ऐसे स्थान हैं जहां खानाबदोश अपने डेरे बनाकर रह रहे हैं। अजमेर महावीर सर्कल और रामकृष्ण परमहंस सर्किल पर एवं अन्य स्मारकों पर खानाबदोश अतिक्रमण कर डेरे बनाकर रह रहे हैं। वहीं त्योहारों के सीजन पर जिला प्रशासन द्वारा साफ सफाई व लाइटिंग का काम किया जाना है। वहीं दूसरी ओर क्षेत्रवासियों का आरोप है कि जिस इलाके में खानाबदोश रह रहे हैं उस इलाके को वो पूरी तरीके से गंदा कर रहे हैं। स्थिति को देखते हुए चौराहों व सार्वजनिक स्थानों पर रह रहे खानाबदोशों की पहचान होना अति आवश्यक है। पूर्व में भी ज्ञात है कि जिला प्रशासन द्वारा खानाबदोशों के लिए पास भी बनवाए गए थे ताकि कोई रोहिंग्या अवैध रूप से खानाबदोश के रूप में प्रदेश में न रहे। वहीं दूसरी ओर अजमेर शहर के जिला प्रशासन द्वारा इन खानाबदोशों के लिए आवास की व्यवस्था भी की गई थी ताकि प्रदेशवासियों को किसी तरह की कोई समस्या का सामना न करना पड़े। इन खानाबदोशों को समय रहते इनके लिए बनाए गए आवास स्थल पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए ताकि त्योहारों के सीजन में सार्वजनिक स्थानों पर व अजमेर के बड़े चौराहों पर लाइटिंग के साथ साथ साफ सफाई की जा सके। निश्चित रूप से जिस प्रकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता को एक विशेष अभियान के रूप में अजमेर नगर निगम और जिला प्रशासन दिवाली से पहले एक अभियान के रूप में अपना रहा है और जो शुद्ध के विरुद्ध युद्ध जो CMHO के द्वारा किया जा रहा है ये अपने आप में एक सराहनीय कदम है। इसके अंतर्गत जितने भी अजमेर के बड़े चौराहे हैं चाहे वो विजय स्मारक बजरंगगढ़ वाला हो चाहे अजमेर क्लब चौराया हो इनके ऊपर आज भी कई खानाबदोश ऐसे है जो परमानेंट डेरा बनाए हुए हैं। उनकी साफ सफाई हम करते हैं 2 घंटे बाद वो वापस उसकी स्थिति खराब कर देते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर इन खानाबदोशों की भी पहचान होनी चाहिए। इसके पहले भी नगर निगम ने इनको एक कार्ड बना करके दिए थे। उनकी वास्तविक पहचान अजमेर में इसलिए आवश्यक है क्योंकि अजमेर के अंदर पहले भी हम कई बार देख चुके खानाबदोश के रूप में कई बार रोहिंग्या प्रकार के लोग कई बांग्लादेशी खानाबदोश के रूप में अजमेर के अंदर मिले। ऐसे के अंदर इनकी जाँच होना और पहचान होना बहुत आवश्यक है ताकि ये आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये वास्तविक खानाबदोश है या ऐसे तो नहीं ये कोई रेकी करने के उद्देश्य से इस खानाबदोश के रूप में अजमेर के अंदर रह रहे ऐसे। और साफ सफाई के अंदर इनको जब आश्रय स्थल नगर निगम ने बना रखे हैं अगर वो वास्तविक खानाबदोश है तो उनको आश्रय स्थल के अंदर शिफ्ट किया जाना चाहिए ताकि जो हमारे स्वच्छ भारत मिशन के तहत दिवाली से पूर्व जितने भी स्मारक है उनकी साफ सफाई की जा रही है वो। आज पुष्कर में प्रदेश के राशन डीलर्स का महासम्मेलन संपन्न हुआ। महासम्मेलन में डीलर्स ने सरकार पर समझौते से मुकरने का आरोप लगाते हुए 1 नवंबर से पूर्ण कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। आज पुष्कर में प्रदेश के राशन डीलर्स का महासम्मेलन संपन्न हुआ जिसमें राज्य भर से हजारों राशन डीलर्स ने अपनी मांगों को लेकर हुंकार भरी। महासम्मेलन में डीलर्स ने सरकार पर समझौते से मुकरने का आरोप लगाते हुए 1 नवंबर से पूर्ण कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। पिछले अगस्त में हुई हड़ताल के बाद खाद्य मंत्री सुमित गोदारा और विभागीय अधिकारियों के साथ हुई वार्ता में मानदेय वृद्धि, 1% छिज्जत, 60 वर्ष बाद ऐच्छिक लाइसेंस ट्रांसफर, बकाया कमीशन, अवैध पोस्ट कटौती रोकने और लाइसेंस शर्तों में संशोधन की मांगों पर सहमति बनी थी। लेकिन महासम्मेलन में डीलर्स ने आरोप लगाया है कि सरकार अब तक अपने वादों पर अमल नहीं कर पाई है जिससे प्रदेश के राशन डीलर्स में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सम्मेलन में सभी राशन डीलर्स ने सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि यदि 1 नवंबर तक उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे राज्यव्यापी स्तर पर 100% कार्य बहिष्कार करेंगे। इसके अलावा सम्मेलन में यह भी चर्चा हुई कि आगामी नवंबर में प्रदेश के 7 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव के दौरान डीलर्स अपनी मांगों को लेकर आंदोलन को और तेज करेंगे। सूत्रों के अनुसार इस महासम्मेलन में राशन डीलर्स ने सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है और जल्द ही राज्य भर में आंदोलन का बड़ा स्वरूप देखा जा सकता है। डीलर सेवा संघ राजस्थान की ओर से पुष्कर में ये आयोजित मीटिंग में सभी राजस्थान के सभी जिलों से भाग ले रहे हैं। इसका मेन उद्देश्य राशन डीलरों के लिए जो कुठराघात सरकार द्वारा हो रहा है उसको चेंज करने के लिए है। सबसे पहले हमें मिनिमम इनकम गारंटी सरकार से लेनी पड़ेगी। सामने दिवाली है उस पर पहले कमीशन जारी करवाना पड़ेगा उसके पश्चात हम आगे की कार्रवाई सरकार से मिलते हुए करेंगे। सरकार नहीं मानेगी तो आगे सरकार क्या? नहीं मानेगी तो हम सरकार को एक बार चेतावनी देते हुए आगे कार्रवाई राशन का समापन करेंगे और राशन बंद करने की घोषणा करेंगे। ये मीटिंग
कितने दिन तक की चलेगी, क्या निर्णय मीटिंग ये बैठक चल रही है आज? बैठक आज, जब तक यहाँ का पूरा निर्णय नहीं होगा उसके बाद ही आगे के सोचा जाएगा। राशन डीलर के बैनर चले हम आए पिछले 3 माह से, जो हमारी पूर्व में हमने हड़ताल करी थी और हड़ताल करने पे हमारी जो मुख्य मांगे थी कि हमारा कमीशन जो है आपका समय पे मिल जाएगा, वो हमें अभी तक समय पर नहीं मिला है। और कुछ हमने 1% छिज्जत के लिए माननीय मंत्री मोदी साहब से हमारी बात हुई थी, उन्होंने उस पर रजामंदी भी करी थी। और जो मासिक हमारी पीड़ा उनके सामने व्यक्त की थी कि भाई राशन डीलर के किसी के 30 क्विंटल, किसी के 40 क्विंटल, किसी के 10 क्विंटल है, 2,000, 3,000, 5,000 रुपये आते हैं, उसके लिए आप 15,000 रुपये, तो उन्होंने उस फाइल को आगे लिया है। तो उसके बारे में आज हम सारे मीटिंग करके और नेक्स्ट दिवाली के बाद या दिवाली के पहले माननीय मंत्री महोदय से मिलेंगे, राजस्थान सरकार से बात करेंगे कि आप राशन डीलर हित में अब आगे क्या कदम करें। हमारी ये स्थिति हो रही है, इससे राशन डीलर का चलना, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। अगर इस तरह की स्थिति रहेगी तो इस बार हड़ताल नहीं, सारे राशन डीलर इस्तीफा दे करके सरकार की। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।